कैबिनेट बैठक में आज पर्यटन विभाग के साथ और ऊर्जा और नगर विकास विभाग के 5 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाने, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ अयोध्या में सीवेज योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामले पर एंटी सेपरेटरी बेल न दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके साथ ही वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मंत्रिपरिषद दी है, 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवासरी बाराबंकी, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शन क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में आती है जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 के जो नया एक्ट पास किया है उसी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के कुछ एक्ट हैं जिसमें सेक्शंस का परिवर्तन होना है, अध्याय का परिवर्तन होना है, तो ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1886, उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, उत्तर प्रदेश 1771, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020, उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। इनमें कुछ क्रमांकों का, जैसे पहले IPC में जो सेक्शंस थे उसी प्रकार से इसमें सेक्शंस का परिवर्तन हुआ है।